हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है हमारा फेमस डिशेस ऑफ जम्मू कश्मीर। अब मैं खुद भी जम्मू से हूँ, सो जम्मू एंड कश्मीर, यूजुअली जो लोग बाहर रहते हैं वो जम्मू कश्मीर को समझते हैं कि एक तरह का कल्चर होगा, बट यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस, और दोनों जगह की अगर आप डिशेस की बात करेंगे तो डिफरेंस है दोनों तरफ की, बट डेफिनेटली आपको दोनों जगह पे दोनों तरह की डिशेस मिल जाएंगी। तो हम डिटेल में कुछ स्पेसिफिक डिशेस की यहाँ पे बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, इंडिया वैसे भी हमारी इतने सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज हैं, हर जगह की क्लोथिंग, कल्चर, फूड हर जगह का बहुत डिफरेंट है। कुछ सिग्नेचर रेसिपीज़ भी आपको अलग अलग जगह की यहाँ पे मिलेंगी। अब जम्मू कश्मीर में खाने की चीज़ें बहुत फेमस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, सब तो कवर नहीं की जा सकती, बट जो बहुत फेमस हैं जम्मू प्रोविंस की भी और कश्मीर की भी, हम दोनों की बात करेंगे। और डिशेज़ में हम क्यूज़ीन से लेकर स्ट्रीट फूड की थोड़ी थोड़ी बात सबकी करेंगे। अब जैसे ये जो कचालू चाट है यहाँ पे मिलता है, बहुत फेमस स्ट्रीट फूड है कचालू। हिंदी नेम है कोलोकेशिया रूट्स का, जो कोलोकेशिया रूट्स होती हैं। कचालू की सब्ज़ी भी आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टेट्स में लोग बनाते हैं। यहाँ पे इसका चाट बनाया जाता है, जिस तरह से आप अरबी खाते हैं उस तरह से ये दिखता है। और जो स्ट्रीट फूड होता है जम्मू में स्पेशली, उसको रेहड़ी कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड रेहड़ी इन जम्मू ऑन द मोबाइल कार्ट, जो चलने वाला कार्ट होता है जिसको धक्का मारा जाता है, जैसे आप गोलगप्पे खाते हैं उस तरह की चीज़ को रेहड़ी बोला जाता है यहाँ पे। और कचालू चाट यहाँ पे हर नुक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी जो जम्मू है वो आपको मिलेगा, स्कूल कॉलेजेस के बाहर। और ये जो चाट है इसको एक बार नहीं बनाया जाता, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स करके रखे जाते हैं, और जब कोई लेने के लिए आएगा, जैसे आप गोलगप्पे खाते हैं तो उसको तब मिक्स करके दिया जाता है। तो 10 रुपीज़ से 20 और मोर जितना भी आप लेंगे उतने में आपको ये दिया जाएगा। उसके बाद जम्मू का एक और बहुत स्ट्रीट फूड जो फेमस है वो है कलाड़ी कुलचा। कलाड़ी कुलचा बहुत से लोग जो जम्मू आते हैं उन्होंने नहीं खाया होता, और जो लोकल्स होते हैं वो उनको खिलाते हैं। कलाड़ी एक तरह की क्या होती है, आपका चीज़, जैसे आप पनीर खाते हैं, जैसे मोज़रेला चीज़ होता है, उस तरीके से इसका प्रिपरेशन किया जाता है गोट या काऊ के मिल्क के साथ, और इसको कुलचे के साथ सर्व किया जाता है। दैट मीन्स कुलचा इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेड, या जैसे आपका बर्गर का पीस होता है उसके साथ इसको, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सर्व किया जाता है। कुक्ड वेजिटेबल्स भी इसमें डाली जाती हैं। अब कलाड़ी कुलचा एक तरह का, लेकिन ये जो कलाड़ी है ये स्पेशल एक क्विजीन है, इसको एज अ सब्जी की तौर पे भी खाया जाता है, नॉट सब्जी बिकॉज इट्स नॉट अ वेजिटेबल, बट आप कह सकते हैं इसको प्रिपेयर करके चपाती के साथ भी खाया जाता है। और ये जो डिश है इसका ओरिजिन स्पेशली उधमपुर से है जम्मू के, और ये भी बहुत टेस्टी, और आप जम्मू आएँ इसको ज़रूर खाएँ। गार्लिक चटनी या चिल्ली के साथ इसको सर्व किया जाता है। उसके बाद आ गया आपका राजमा चावल। अब राजमा चावल आपने हर जगह खाए होंगे, पंजाब में भी खाया होगा, बट जम्मू कश्मीर के जो राजमा चावल हैं इनका कुछ अलग स्पेसिफिक टेस्ट होता है। वैसे भी अगर आप देखेंगे भदरवा साइड के या पुंछ साइड के राजमा बहुत ज़्यादा फेमस भी रहते हैं। इसको बहुत अच्छे प्रिपरेशन से अनियन टोमेटोज़ के साथ बनाया जाता है, और स्ट्रीट फूड के साथ साथ ऑब्वियसली जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे भी इसको सर्व किया जाता है, और यहाँ का प्रिपरेशन राजमा चावल का बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद ये पतीसा जो है, पतीसा की अगर हम बात करें, स्वीट है, एक तरह की मिठाई है, बहुत फेमस है, सोन पापड़ी की तरह ये आपको दिखता है। अगर आपने सोन पापड़ी खाई है तो पतीसा वैसा ही कुछ दिखता है। इसको क्यूब्स में प्रिपेयर किया जाता है, मैदा फ्लोर और ग्राम फ्लोर को मिक्स करके स्मूथ टेक्सचर रहता है, और जो लोग भी मिठाई पसंद करते हैं वो जम्मू से इसको ज़रूर लेके जाते हैं। अब थोड़ा अगर कश्मीरी डिशेज़ की बात करें, तो अभी तक हमने बात की आपकी डिशेज़ के साथ कुछ चीज़ें स्ट्रीट फूड की। अब नेक्स्ट आता है दम आलू। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे कश्मीर प्रोविंस में स्पेशली नॉनवेज जो है वो बहुत फेमस है। आपको पता है कश्मीर आप जाएंगे बहुत मेहमान नवाजी आपकी की जाती है, वाजवान जो है वो पेश किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ डिशेस की बात करेंगे, लेकिन नॉनवेज के सिवाय दम आलू जो कि वेजिटेरियन डिश है, पोटैटो से बनती है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। छोटे जो पोटैटोज़ होते आलू, उनसे इनको प्रिपेयर किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ की जाती हैं, फेनल, गरम मसाला,
और जो भी कश्मीरी आपकी क्विजीन में आप कह सकते हैं स्पाइसेस डलती हैं, जो लोकल स्पाइसेस भी रहती हैं वो भी यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, फेनल सीड्स, कार्डमम, और गरम पराठों के साथ या चावल के साथ इसको खाया जाता है। तो एग्जैक्टली इस तरह से दिखते हैं जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, और इसके लिए स्पेशली स्मॉल साइज़ के पोटैटोज जो हैं उनको चूज़ करके फ्राई करके स्पाइसेस में इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब ऑब्वियसली ये एक डिश नहीं है, बट मैंने इसको यहाँ पे डाला है क्योंकि ये वन ऑफ द फेमस कह सकते हैं आप ड्रिंक बेवरेज है जम्मू कश्मीर की। दो सबसे ज़्यादा फेमस है कहवा, और उसके बाद आपकी नून चाय आती है। नून चाय पिंक कलर की एक चाय होती है। तो यहाँ पे कहवा अगर आप देखेंगे एक हर्बल टी है, इसको एक स्पेशल टी है, लीव्स और सैफ्रन के साथ इसको सर्व किया जाता है, और इसको कश्मीरी ग्रीन टी भी कहा जाता है। और इसका कलर ऐसे अगर जब बनेगी ये आपको ऑरेंजिश कलर में दिखेगी, ऑरेंजिश कलर में दिखेगी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सर्दियों में लोग यहाँ पर बहुत पीते हैं, और इसके साथ साथ नून चाय पिंक कलर की ये चाय होती है, नमकीन होती है, बेसिकली मीठी नहीं होती, बट लोग अपने फ्लेवर कमेंट करने के लिए मीठा भी इसमें डालते हैं। तो कहवा, नून चाय, ये दो तरह की बेवरेजेस हैं। अब इसके बाद हम खट्टा मीट पे आते हैं। ये जम्मू प्रोविंस में ज़्यादा फेमस है, एक तरह का मटन का प्रिपरेशन है, नॉनवेज डिश है ये। ग्रेवी और करी के साथ इसको बनाया जाता है। डोगरा डायनेस्टी से की वजह से बहुत फेमस है क्योंकि इसको बहुत खाया जाता था, और जैसे कि नेम सजेस्ट, खट्टा मीन सॉर, खट्टा टेस्ट आएगा, टैंगी फ्लेवर आएगा आपको इसमें। अनारदाना यूज़ किया जाता है जम्मू में, राजमा चावल भी जैसे मैंने आपको बताया, तो बहुत जगह अनारदाना उसमें यूज़ किया जाता है। अनारदाना क्या है? पॉमीग्रेनेट, अनार जो रहता है आपका, उसके सीड्स होते हैं जो सुखाए जाते हैं। तो अनारदाना या आमचूर डाल के इसको प्रिपेयर किया जाता है, खट्टा मीट। अब नॉनवेज डिश है, मटन की डिश है ये। उसके बाद कश्मीर की फिर से बात करें तो रोगन जोश डिश है, ये भी लैम्ब डिश है। इसको लैम्ब को इसमें प्रिपेयर किया जाता है। ये कश्मीरी क्विजिन की एक सिग्नेचर रेसिपी है, लोग बहुत पसंद करते हैं जो नॉनवेज खाते हैं। ब्राउन अनियंस के साथ इसको प्रिपेयर किया जाता है, दही डाला जाता है इसमें, रेड चिलीज़, और ड्रामेटिक रेड कलर इसकी कड़ी में, इसकी ग्रेवी में आपको दिखेगा जो लोग नॉनवेज खाने वाले हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम एक डेज़र्ट की बात कर रहे हैं, फिरनी, फिर से एक तरह की स्वीट है ये, पॉपुलर डेज़र्ट है ये कश्मीर का। राइस, मिल्क, सैफ्रन और इलायची जो होती है उसके साथ इसको प्रिपेयर किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, रोज़ एसेंस इसका रहता है, रोज़ सेंस देते हैं इसको स्पेशल फ्लेवर देने के लिए। फिर नहीं, आपने बाकी जगह पे भी खाई होगी, बट बहुत बढ़िया आपको कश्मीर का ये फेवरेट डेजर्ट दिखेगा। फिर बकर खानी होती है। अब जो बेकरी है कश्मीर की, ये भी बहुत फेमस है। इसके साथ साथ लोग ब्रेकफास्ट में बेकरी को बहुत पसंद करते हैं। उसमें एक है बकर खानी, कश्मीरी क्विजीन है, और इसको माना जाता है कि मिडल ईस्ट से यहाँ पर डिराइव होके आई है, और इस पर सेम सीड्स को ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, और यूजली ब्रेकफास्ट में लोग इसको खाते हैं। और कुलचाज होते हैं, कचोरीज होती हैं, कश्मीरी बेकरी किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा फेमस रहती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है मोडर पुलाव। तो यहाँ पे कश्मीरी पुलाव हो गया, या आपका ये मोडर पुलाव हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जिस तरह से यूपी वाले एरिया में आप तहरी खाते हैं, राइट, तहरी खाते हैं, तो उसी का वेरिएंट पुलाव है, या आप कह लीजिए तहरी वेजिटेबल पुलाव का वेरिएंट है। तो इसी तरह से ये भी जो नॉर्मल वेजिटेबल पुलाव है उसका एक वेरिएंट है। कश्मीरी राइस को सिनेमॉन के साथ सैफ्रन, मिल्क, घी, शुगर और ड्राई फ्रूट्स डाल के प्रिपेयर किया जाता है, और दिस इज़ अगेन अ वेरी फेमस थिंग, लोग इसको बनाते हैं। अभी तक फिर से हम कश्मीर की बात कर रहे थे, अगेन जम्मू प्रोविंस में अम्बल इज़ वेरी फेमस। अम्बल क्या है? एक डोगरा क्विजीन है, पम्पकिन से इसको बनाया जाता है। एक टैंगी फ्लेवर आता है इसमें, खट्टा, या तो इमली डाल के इसको प्रिपेयर करते हैं, मिर्ची भी होती है सेम टाइम में, और इसमें खट्टास भी रहती है। तो ये एक बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं डिश है यहाँ की। स्वीट और सौर करी आप बोल सकते हैं, और मिर्ची भी इक्वली रहती है इसमें। टैमरिंड, जागरी डाल के प्रिपेयर किया जाता है, वेजिटेबल्स और भी इसमें मिक्स की जाती हैं। तो इसको कद्दू का अम्बल भी कहते हैं, कद्दू आप कह लीजिए, या पम्पकिन होती है, कंढोली उसको जम्मू में कहा जाता है, उससे इसको प्रिपेयर किया जाता है, जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं, विद लॉट ऑफ ग्रेवी। इसमें ग्रेवी नहीं दिख रही पिक्चर में, बट इसमें ग्रेवी भी होती है जो इसको बहुत टैंजी फ्लेवर देती है। अगेन कश्मीर में चलें तो रिश्ता नॉन वेजिटेरियन डिश है, ट्रेडिशनल रॉयल इंडियन डिश है, जो कि कश्मीर रीजन से ओरिजिनेट होती है। रिश्ता क्या है? इसको फुल स्टॉप कहा जाता है वाजवान का, कि जब आप खाना लास्ट में खाते हैं तो रिश्ता से स्टॉप करते हैं। मीट बॉल्स हैं यहाँ पे
इसमें पीस के मटन को बनाया जाता है, सिम पे बनाया जाता है, रेड ग्रेवी होती है मीट बॉल्स की, कार्डमम पाउडर, सॉल्ट, जिंजर पाउडर डाल के इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए JKPSC के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी डिशेस की हम बात कर रहे हैं ये आपको कहीं ना कहीं आ सकता है। फेमस डिशेस जम्मू कश्मीर के बारे में लिखिए, तो यूजुअली लोग लिख ही लेते हैं, बट उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना कि कहाँ से उसका ओरिजिन है, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स फेमस क्या हैं। नेक्स्ट देखिए गोश्ताबा, ये ट्रेडिशनल इंडियन करी है कश्मीरी रीजन से, मटन के मीट बॉल्स हैं यहाँ पे, लेकिन इसकी ग्रेवी जो है वो दही में होती है, योगर्ट में होती है। इसमें मटन, मस्टर्ड ऑयल, फेनल पाउडर, क्यूमिन पाउडर, ये सब जो स्पाइसेस हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक और चीज़, कश्मीरी नान बहुत फेवरेट है। ब्रेड जैसे नान आप नॉर्मल खाते हैं वैसे फ्लैट ब्रेड है ये, बट इसको कुछ अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इसमें ईस्ट, सॉल्ट, योगर्ट, घी डाल के इसको प्रिपेयर किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले जाते हैं। आप अगर देखेंगे कश्मीरी खाने में आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत सी चीज़ों में खाने को मिलेंगे, क्योंकि ठंडा इलाका है, ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, तो मेजर डिशेज़ में आपको ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो दिखेंगे। अगेन ये एक वेजिटेरियन डिश है कश्मीर से, नदड़ू यखनी। नदड़ू किसको कहा जाता है? लोटस की जो स्टेम होती है उसको नदड़ू कहा जाता है। इसका अचार भी बनता है। और यखनी बेसिकली यखनी मटन की बनाई जाती थी, लेकिन जब आप उसको नदड़ू से बनाते हैं तो आप उसको नदड़ू यखनी बोलते हैं। कश्मीरी कड़ी है, दही में बनती है, ट्रस्ट मी इट्स वेरी टेस्टी। और लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी बनाते हैं, बेसन भी यूज़ करते हैं, कोई लोग ग्राम फ्लोर यूज़ करते हैं, अनियन, ग्रीन चिलीज, जो भी चीज़ें स्पाइसेस बेसिक्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से दिखती है, ये आपकी लोटस स्टेम है और इसकी ये ग्रेवी जो है वो रहती है, नदड़ू आपकी लोटस स्टेम रहती है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, जैसे कि तिंबड़ू की चटनी। ओके, तो जम्मू कश्मीर में लोग चटनी भी बहुत खाते हैं, जैसे सॉसेज आप बनाते हैं, तो तिंबड़ू की चटनी रहती है एक, वो बहुत फेमस है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं और खाते हैं। ये डोगरा डायनेस्टी से रिलेटेड है और डिफरेंट तरह की अनारदाना की चटनीज़ खाने के साथ खाई जाती हैं। तो यही था आज का डिस्कशन हमारा, जहाँ पे हमने कुछ फेमस डिशेस जो हैं जम्मू कश्मीर की उनको डिस्कस किया, वेजिटेरियन डिशेस से लेकर नॉन वेजिटेरियन डिशेस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद होगा, और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो वेजिटेरियन डिशेस ट्राई कर सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो नॉन वेजिटेरियन ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन भी आपके लिए एक डाला है मैंने यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू सैफ्रन। सैफ्रन कल्टिवेशन इज बिलीव टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय सेंट्रल एशियन इमाइग्रेंट्स अराउंड द फर्स्ट सेंचुरी BC। In ancient Sanskrit literature, saffron is referred to as Bahukam. Third, it is the only saffron that is grown at an altitude 1600 meter to 1800 meter above mean sea level. तो बताइए सही आंसर इसका क्या है। टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, कोई भी क्वेरी हो आपकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी साइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।